आप सबका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और सुपरस्टार से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें, जिसे जानने के लिए आप लोग भी बहुत बेताब रहते हैं, हमें पता है। इसलिए हम एक बार फिर से लेकर आए हैं कुछ ऐसी ही खबरें जो जुड़ी हैं फिल्मी सितारों से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं पहली खबर, जो जुड़ी है खेसारी लाल यादव की फिल्म राजा जानी से। राजा जानी कुछ दिनों पहले रिलीज होने वाली थी। अगर आप लोगों को याद हो तो 15 जून को ईद के मौके पर, यानी बीते दिन पहले, इसकी रिलीजिंग डेट आई कि बॉर्डर के साथ इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा सिनेमाघरों में, बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन इस फिल्म को रिलीज़ नहीं किया गया क्योंकि किसी तकनीकी खराबी के चलते इस फिल्म का ट्रेलर भी आउट नहीं हो पाया और दर्शकों का इंतज़ार इंतज़ार में ही रह गया। लेकिन अब ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से भी मिल चुका है US सर्टिफिकेट और बहुत जल्द ये फिल्म आप लोग सिनेमाघरों में देख पाएंगे। फिलहाल इसका ट्रेलर आपको 2 दिनों में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए नज़र डालते हैं सीधे इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास जानकारी पर। देखिए, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भारत सरकार से सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म राजा जानी को US सर्टिफिकेट मिला है। महिला सशक्तिकरण पर आधारित इस फिल्म का ड्यूरेशन 168 मिनट है, जिसका निर्देशन लाल बाबू पंडित ने किया है। फिल्म को US सर्टिफिकेट मिलने के बाद निर्माता सुरेंद्र प्रसाद ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि फिल्म को हम जल्द ही रिलीज करेंगे। इसके लिए लगभग सारी तैयारियां पूरी भी कर ली गई हैं। फिल्म काफी अच्छी बनी है और इसके डायलॉग से लेकर गाने तक कमाल के हैं। पूरी तरह से ये फिल्म सामाजिक एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है। तो वहीं लाल बाबू पंडित ने बताया है कि फिल्म राजा जानी में इस बार खेसारी लाल यादव के साथ 2 नई अदाकारा प्रीति विश्वास और देवोस्मिता नजर आएंगी, जिनकी केमिस्ट्री लाजवाब है। उन्होंने दावा किया है कि फिल्म राजा जानी भी उनकी पिछली फिल्म की तरह लोगों को खूब पसंद आने वाली है। इसमें भोजपुरिया मिट्टी की सुगंध और यूपी बिहार की झलक देखने को मिलेगी। इस फिल्म की स्टोरी लाइन में एक सौतेली माँ और बेटी की कहानी है, जिसमें कई तरह इमोशंस भी हैं। बता दें कि प्रकृति फिल्म के बैनर तले बनी फिल्म राजा जानी की शूटिंग भगवान शिव की नगरी देवघर और कोलकाता के खूबसूरत लोकेशंस पर की गई है। फिल्म में खेसारी लाल यादव और प्रीति विश्वास लीड रोल में नजर आने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी है इंडस्ट्री के जुबली स्टार निरहुआ से। निरहुआ हाल ही में अपने बचपन के स्कूल में पहुंचे हैं 25 साल बाद, जहां उनका स्वागत भव्य तरीके से हुआ है। एक समय पर होमवर्क ना करने की वजह से वो वहां पर अपने टीचरों से मार खाया करते थे और आज उन्हीं टीचरों ने उनका स्वागत बड़े अच्छे ढंग से किया है, जिसकी वीडियो भी आप लोग सोशल मीडिया पर देख ही चुके होंगे क्योंकि उस वीडियो को दर्शकों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। दरअसल अपनी फिल्म के प्रमोशन के मकसद से निरहुआ उस स्कूल में पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों के बीच बहुत सारी तस्वीरें खिंचवाई, कुछ मोटिवेशनल स्पीच दी और अपने स्कूल की तारीफ करते हुए उन्होंने दर्शकों से अनुरोध किया है, वहां मौजूद छात्र और जितने भी टीचर्स मौजूद थे सभी से अपनी फिल्म देखने का अनुरोध किया है। और जिस हिसाब से निरहुआ की फिल्म को प्रमोशन के दौरान रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसे देखकर ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इस साल की ब्लॉकबस्टर मूवी में से एक निरहुआ की बॉर्डर भी साबित हो सकती है। फिलहाल हम निरहुआ के इस अनोखे तरीके से, प्रमोशन के अनोखे तरीके से जुड़ी एक खास खबर लेकर आए हैं आपके लिए। देखिए, भोजपुरी के जुगले स्टार निरहुआ इन दिनों बड़े जोरों शोरों से अपनी फिल्म बॉर्डर के प्रमोशन के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। क्रिकेट में आपने निरहुआ को चौके छक्के लगाते हुए भी जरूर देखा होगा बक्सर के मैदान में, जहाँ से वो ट्रॉफी भी जीत लाए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दिनों प्रमोशन के लिए निरहुआ ने खुद के लिए इतना ज्यादा समय निकाला है कि वो अपने बचपन के स्कूल में भी पहुंचे। जी हाँ, सुनने में आया है कि 25 साल बाद निरहुआ अपने बचपन के स्कूल में पहुंचे, जहां तिलक लगाकर माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। उस समय निरहुआ के चेहरे पर जो खुशी थी, वो चमक शायद बचपन में ही देखने को मिल पाती हो। दरअसल निरहुआ 25 साल बाद इस स्कूल में पहुंचे थे। एक समय पर निरहुआ स्कूल में काम करने को लेकर मार खाया करते थे, लेकिन आज का समय है कि फूल माला के साथ उनका स्वागत किया गया, जहां स्कूल छात्रों ने उनके साथ खूब सारी तस्वीरें ली, तो वहीं निरहुआ ने वहां मौजूद सभी लोगों से अपनी फिल्म देखने का अनुरोध किया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी है इंडस्ट्री के सुपरस्टार रितेश पांडे से और आइकन क्वीन अक्षरा सिंह से। आप सब जानते हैं कि इन दिनों ये नई जोड़ी मिर्जापुर में अपनी अपकमिंग फिल्म राजा राजकुमार की शूटिंग कर रही है, जिसकी काफ़ी सारी तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, शूटिंग स्टील्स देखने को मिल रही हैं। लेकिन फिलहाल रितेश पांडे और अक्षरा सिंह की जो वीडियो देखने को मिली है, उसमें दोनों एक दूसरे को किस करते नजर आ रहे हैं और उनके आसपास देखने वालों लोगों का तांता लगा हुआ है। लेकिन
के किसिंग सीन आप लोग रियल मत समझिएगा, क्योंकि इस फिल्म की कहानी की डिमांड के अनुसार एक सीन फिल्माया है दोनों ने मिलकर, जो कसम से बड़ा ही हॉट है। और ये सीन हम आपके लिए, इस सीन पर एक खास खबर लेकर आए हैं, देखिए। भोजपुरी सिनेमा में इन दिनों कई सारी फिल्मों का निर्माण और शूटिंग अलग अलग जगहों पर जोरों शोरों से किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भोजपुरी की एक ऐसी ही फिल्म का निर्माण आजकल मिर्जापुर में हो रहा है, जो अपनी जोड़ी को लेकर खूब चर्चाओं में है। इस नई जोड़ी में कोई और नहीं बल्कि रितेश पांडे और अक्षरा सिंह नजर आने वाले हैं। अब तक नाम सुनकर आप लोगों को इस बात का पता तो चल ही चुका होगा कि हम अपकमिंग फिल्म राजा राजकुमार की चर्चा कर रहे हैं। इस फिल्म के एक सीन के लिए बीते दिन पहले ही अक्षरा और रितेश का किसिंग सीन फिल्माया गया, जिसमें अक्षरा रितेश के गालों पर किस करती नजर आए हैं। ये प्यार रोमांस सिर्फ फिल्म में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आपको इन दोनों कलाकारों का रोमांस देखना है तो उसके लिए आप लोगों को भी मिर्जापुर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी इस सीन को सिर्फ और सिर्फ वहां मौजूद दर्शक ही देख पा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी है इंडस्ट्री के मेगा स्टार रवि किशन से। रवि किशन हाल ही में अपनी फिल्म मुक्केबाज को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में थे, और इसके बाद अपनी भोजपुरी फिल्म सन की दरोगा को लेकर चर्चाओं में हैं। कुछ दिनों पहले इस फिल्म का फर्स्ट लुक देखने को मिला था, जिसके बाद इस फिल्म को देखने की बेताबी दर्शकों में देखने को मिली। लेकिन अब टीजर रिलीज हो गया है, इस फिल्म का पहला टीजर, और बहुत जल्द ट्रेलर भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल रवि किशन की फिल्म सन की दरोगा रिलीज होते ही बहुत अच्छा धमाका मचा रही है, बहुत अच्छा रिस्पांस पा रही है। इस फिल्म की सभी ने खूब तारीफें की हैं। वैसे ज्यादा लोगों ने अभी तक इस फिल्म के टीजर को नहीं देखा है, क्योंकि कल शाम को ही बीते दिन पहले इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ जी म्यूजिक भोजपुरी पे। तो अगर आप लोगों ने भी नहीं देखा है तो जरूर देखिए, कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए। लेकिन फिलहाल हम रवि किशन की इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए। भोजपुरी फिल्मों में अपनी अदायगी से कई फिल्मों को हिट करवाने वाले मेगा स्टार रवि किशन भोजपुरी के अलावा और भी कई सारी इंडस्ट्री की फिल्मों में अपना योगदान दे चुके हैं। बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान के साथ रवि कई फिल्में कर चुके हैं, जिसमें उनके किरदार की काफी सराहना की गई है। वेल बता दें कि बीते दिन पहले रवि किशन की एक भोजपुरी फिल्म का टीजर रिलीज हुआ जी म्यूजिक भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सन की दरोगा। वैसे तो इस फिल्म का पहला लुक जब से आया था तभी से ये फिल्म चर्चाओं में बनी हुई थी, लेकिन जब बीते दिन पहले इस फिल्म का टीजर आया तो सभी हैरान थे इस टीजर को देखकर। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस फिल्म में ऐसी कई सारी खूबियां हैं जो आज से पहले किसी फिल्म में, भोजपुरी फिल्म में खासकर देखने को नहीं मिली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म के टीजर में रवि किशन की आवाज के ऊपर से आपको कई ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जो आपको अंदर से झकझोर देंगे। इस फिल्म के कुछ सेकंड के टीजर को वैसे तो बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन जिसने भी देखा है सभी ने इस टीजर की खूब तारीफ की है। रवि किशन इस फिल्म में पुलिस के किरदार में नजर आएंगे, जो पूजा पाठ और आराधना में भी काफी रुचि रखता है। इस फिल्म में जो कहानी है वो रियल कहानी पर भी बनी हुई है, क्योंकि इन दिनों हमारे समाज में महिलाओं के प्रति जितने भी अत्याचार होते हैं उन सभी को इस फिल्म में उजागर किया गया है। साथ ही साथ पुलिस किस तरह से इन सब से निपट सकती है इसका भी एक बहुत अच्छा उदाहरण ये फिल्म बन सकती है, क्योंकि इस फिल्म में रवि किशन ने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाते हुए अत्याचारियों का विनाश किया है। ये फिल्म एक ऐसी संदेशापरक फिल्म है जिसे सिर्फ भोजपुरी दर्शकों को ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों को देखनी चाहिए जो इस समाज में हैं। इसी मकसद से रवि ने इस फिल्म की शुरुआत हिंदी से की है। जाते जाते जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म का निर्माण रवि किशन के ही प्रोडक्शन हाउस के जरिए किया गया है, तो दर्शकों से भी अनुरोध है कि इस कहानी को और इस फिल्म के टीजर को जरूर शेयर करें और कहानी भी समझें। जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो आपको पसंद आएगी, ये बात तय है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी है एक ऐसे सिंगर से जो अपनी शरारती भरे गानों से युवा स्टारों का, युवा लोगों का दिल जीतते हैं, खासकर बिहार वासियों का, जिनका नाम है राकेश मिश्रा। हाल ही में इनका एक गाना आया था कमर के कलच कहिला चांदनी सिंह के साथ, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। लेकिन इस वीडियो पे काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स भी आए जो देखने में काफ़ी निंदनीय थे। वैसे इन सितारों को शायद ही फ़र्क पड़ता हो,
इसलिए आज हम इनसे जुड़ी एक खास खबर लेकर आए हैं। वो इनके नज़दीकियों के किस्से हैं, वो भी किसी हीरोइनों के साथ नहीं बल्कि एक हीरो के साथ। दरअसल हाल ही में खेसारी के साथ राकेश मिश्रा ने स्टेज शेयर किया और अपने स्टेज शो में इन्होंने खेसारी की तारीफों के ऐसे ऐसे पुल बांधे हैं जिसे सुनने के बाद खुद खेसारी भी भावुक हो गए। और इस दृश्य का कुछ छोटे से आप कह सकते हैं एक पल का हम खुशनुमा पल आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए। भोजपुरी सिनेमा कलाकारों के लिए ऐसे कई मौके आते हैं जब ये सितारे आपस में स्टेज शेयर करते हैं तो कभी स्क्रीन भी शेयर करते हैं। अपनी हर फिल्मों में और अपने हर स्टेज शो में ये सितारे जितनी लोकप्रियता पाते हैं, जितना प्यार पाते हैं, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इनकी मेहनत हमेशा से सफल भी होती आई है। लेकिन एक खास बात यहाँ ये भी है कि जितनी लोकप्रियता इन स्टारों की बढ़ती है उतना ही इनका नाम उछाला भी जाता है। कहा जाता है कि जो जितना बदनाम होता है उसका उतना ही नाम होता है। इसका एक उदाहरण आप लोग देख सकते हैं कि जब भी खेसारी और कई फिल्मी सितारों के लिए छोटे छोटे सिंगर्स अपने मर्जी से गाने बना देते हैं। हाल ही में खेसारी, रितेश, राकेश और कुछ इंडस्ट्री के सिंगरों को लेकर एक छोटे सिंगर ने गाना गाया जिसका जवाब हाल ही में राकेश मिश्रा ने अपने एक स्टेज शो में दिया है। दरअसल राकेश ने जवाब देते हुए कहा है कि बिहार की माटी ने इंडस्ट्री को और इस दुनिया को एक ऐसा सपूत दिया है जिसने इंडस्ट्री का नाम आगे बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाता रहेगा। पूरी इंडस्ट्री को और पूरे बिहार के लोगों को उस पर नाज है और वो है खेसारी लाल यादव। और खेसारी इतनी तारीफ राकेश मिश्रा ने की कि जिसे सुनकर खेसारी की आंखों में दूर बैठे भावुकता आसानी से नजर आ रही थी, लेकिन ये भावुकता खुशी की थी जो खेसारी के चेहरे से साफ साफ बयां हो रही थी। तो ये थी आज इंडस्ट्री के सुपरस्टारों से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें। उम्मीद है आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल चुकी होगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर से होगी मुलाकात ऐसे ही सुपरस्टारों से जुड़ी खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।